दैनिक भास्कर समूह की ओर से आप सभी देवियों सज्जनों का स्वागत अभिनंदन आभार। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक आपके साथ और एक बार फिर से स्वागत करता हूं दैनिक भास्कर डबल कीर्तिमान समारोह में। दैनिक भास्कर समूह को आप पाठकों ने जो भरपूर प्यार दिया है उसी की वजह से आज दैनिक भास्कर समूह भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र समूह है। दैनिक भास्कर 12 राज्यों 65 एडिशंस के साथ 3 भाषाओं हिंदी गुजराती और मराठी में आप तक पहुंच रहा है। दैनिक भास्कर डबल कीर्तिमान के साथ राजस्थान में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। हमारे करोड़ों पाठकों का विश्वास हमारे साथ है और हम इसके लिए आपके तहे दिल से आभारी हैं। इस कोरोना काल में जिंदगी का उत्साह और उमंग बनाए रखने और उसे बढ़ाए रखने के लिए हम सब लगातार कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद का उजाला है तो यकीन मानिए कोरोना काल में भी जिंदगी चमकदार होगी। इसी उम्मीद और हौसले का उजाला कायम रखते हुए राजस्थान में डबल कीर्तिमान स्थापित करने पर दैनिक भास्कर इस बार 4 महीने सितंबर से दिसंबर तक देश का पहला और सबसे लंबा ऑनलाइन डबल कीर्तिमान समारोह आयोजित कर रहा है। इसी समारोह में आज हमारे साथ जुड़े हैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट राकेश झुंझुनवाला जी, जो हमें बताएंगे इस माहौल में कब कहां और कैसे निवेश किया जाए। और उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं द क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया जी। सर नमस्कार। इससे पहले कि इस बातचीत की शुरुआत हो, हमारे इस समारोह की शुरुआत करने के लिए देवियों सज्जनों मैं आमंत्रित करना चाहता हूं दैनिक भास्कर समूह के हमारे डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी को। नमस्कार। थैंक यू कार्तिक। नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है इस डबल कीर्तिमान समारोह में। और जैसे कि आप देख चुके हैं कि अभी तक हमने कुछ कार्यक्रम जो आपके साथ किए हैं उसमें हमने प्रयास किया है कि हम पाठकों को एंगेज रखें, उन्हें मोटिवेटेड रखें। भास्कर के लिए राजस्थान की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भास्कर ये मानता है कि आज जो भी भास्कर ने अर्जित किया है उसका जो बेस है उसमें राजस्थान ने हमको बहुत मदद की है। हम जितना आगे बढ़ पाए उसमें राजस्थान का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, राजस्थान के लोगों को। आज हमारे साथ राकेश भाई जुड़े हैं। राकेश भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और संजय भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे आग्रह को माना। मैं राकेश भाई के बारे में क्या कहूंगा, मैं उनको पिछले 15 साल से जानता हूं और जब भी उनसे मिलता हूं एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा उनसे मिलके मिलती है। और आप जैसे अभी मैंने उनको पिछले हफ्ते फोन किया, मैंने कहा भाई कोरोना चल रहा है, परेशानी है, तो बोले काहे की परेशानी है यार, हिंदुस्तान इतना ग्रो करने वाला है, तुम देखते जाओ। तो आई थिंक जो पॉजिटिविटी राकेश भाई से हमको मिलती है, पूरा देश अगर उसी पॉजिटिविटी का एक अंश भी ले ले तो हम लोग बहुत बहुत तरक्की कर पाएंगे। तो राकेश भाई, मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, संजय जी आपसे अनुरोध करूंगा कि राकेश भाई से पूछिए और ये प्रयास करिए कि जब सोमवार को आपसे 1 घंटा बातचीत सुनने के बाद जब हमारे दर्शकगण शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि सोमवार को उन सबकी दिवाली हो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी एंड संजय जी, ओवर टू यू। एब्सोल्युटली गिरीश जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम आपने बहुत ही अच्छे विचार के साथ बनाया है कि किस तरीके से हम पॉजिटिविटी लाएं लोगों में। अब पूरे देश में लोग इस वक्त आइडियाज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कुछ कंप्रिहेंड कर पाना लोगों के लिए मुश्किल होता है। और ऐसे में शेयर बाजार के लोग या राकेश झुंझुनवाला जैसे लोगों की खासियत ये है कि वो लोग हमेशा आगे देखते हैं, हम लोग पीछे देखते हैं, हम पोस्टमार्टम करते हैं, ये लोग फ्यूचरोलॉजिस्ट हैं। और ये सिर्फ शेयर मार्केट एक्सपर्ट नहीं है, ये शेयर मार्केट के सूत्रधार हैं। भारत में इनको लोग वॉरेन बफेट कहते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। जब देखो राकेश जी अपने काम में जुटे रहते हैं, जवाब नहीं है इनका। हो सकता है जो अगली में तुलना करूं राकेश जी को पसंद ना आए गिरीश जी, और वो ये है कि आज की तारीख में तरह तरह की अफवाहों के बीच, क्योंकि इनके बारे में इनका एक्चुअल नंबर तो नेटवर्थ का कोई जानता नहीं, वो ये है कि इनका जो नेटवर्थ है और राष्ट्रपति ट्रंप का नेटवर्थ करीब करीब बराबर है। उसमें क्या संजय, उसकी व्हाट, उस सबको मेरा नमस्कार। और मैं जो कह रहा हूं मेरे दिल से और जो सच्चा समझता हूं कह रहा हूं, आप समझे ना संजय, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं जिंदगी इसलिए नहीं जी रहा हूं कि मेरे पास किससे ज्यादा धन आ जाए या कम धन आ जाए। जिंदगी में इसलिए जी रहा हूं कि मुझे जो करना है पसंद वही मैं करूं, और धन मुझे एक ही चीज परमिशन देता है कि मेरे को जो करना है जो कर सकता हूं, जब करना है करो, जब काम करना है करो, नहीं करना है मत करो। इसलिए मुझे धन बहुत, धन की महत्व है। एंड यू नो वेल्थ आल्सो हैज अ मेथड और रीजन इन लाइफ। गॉड हैज गिवन अस फार मोर देन वी नीड। तो थोड़ा धन ज्यादा हो जाए, इससे कम हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है।
मेरी वाइफ के, मेरी फैमिली के ऐसे कोई डिमांड नहीं है, मेरी डिमांड नहीं है। तो मैं तो इसलिए काम करता हूँ कि मुझे फ्रीडम हो एंड आई हैव द राइट टू वर्क विद हुम आई वांट एंड डू व्हाट आई वांट। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। तो क्या फर्क पड़ता है प्रेसिडेंट ट्रंप को, अब किसको मालूम किसके पास क्या है? यू कैन काउंट इट, यू डोंट हैव इट। No, आप गिन सकते हो आपका धन, तो आपके पास धन नहीं है। एब्सोल्युटली राइट राकेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल बात यह नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है, बात यह है कि लाइफ में हम एक अच्छा सुखी जीवन और एक सार्थक जीवन जिए, इसके लिए कुछ बुनियादी चीजें चाहिए होती हैं। हर आदमी उद्यम करता है, मेहनत करता है, आपका तरीका मेहनत करने का एक अलग है और उसमें सब लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि कैसे इनको हम, ये हमारे रोल मॉडल है, इनसे हम कैसे सीखें जो शेयर बाजार में और निवेश के लेवल पर इंटरेस्टेड हैं। तो अभी के माहौल में जो विषय है आज का, वो बिल्कुल हम सबके लिए बड़ा ही रिलेवेंट हो गया है पहले से ज्यादा, कि कब कहाँ और कैसे निवेश करें, उस पर तो हम बात करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपका एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो शेयर बाजार में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है वो ये है कि बहुत तेजी से ऊपर गया जबकि सब लोग पेसिमिस्ट होकर घर में बैठे हुए थे, उसके बाद थोड़ा गिरा, फिर थोड़ी रिकवरी हुई। तो जो बाजार की चाल है और इकोनॉमी का जो पेन नजर आ रहा है, इन दोनों में लोग कहते हैं कि डिस्कनेक्ट है। आप लोग कहते हैं कि इसको गलत समझते हो, वो समझाइए कैसे डिस्कनेक्ट गलत है। क्योंकि बाजार इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, बाजार फ्यूचर देख के भाव निकालता है और बाजार सिर्फ 21 मार्च की अर्निंग नहीं देख रहा है, बाजार 21, 22, 23, 24, 25 में क्या अर्निंग होती है वो सोच के ही भाव रखता है। दूसरी चीज है कि ब्याज बहुत घट गया है तो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के ऑल्टरनेटिव बहुत कम रह गए, और आई थिंक दीज आर द मेन रीजंस। एंड ये कोविड जो है, इट इज नॉट अ कैंसर, इट्स आफ्टर ऑल अ फ्लू। हिंदुस्तान में रोज 25 लाख लोगों को फ्लू होता है, नॉर्मल फ्लू, तो इसी में फर्क है। और दुनिया में ब्याज 3-4 साल तक रेट नहीं बढ़ेंगे, ब्याज के रेट, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन है। और इंडिया में भी लोगों को बहुत कम एक्सपोजर है इक्विटी में, अमेरिका में 30-32% हाउस होल्ड वेल्थ इक्विटी में है, इंडिया में 4-5% है, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी सेविंग है, अपन ने म्यूचुअल फंड लाने का, डीमैट करने का, सेबी के साथ अच्छा रेगुलेशन, वी हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर मनी कैन बी टैप्ड। एंड द ग्रोथ, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंडियन कंपनीज टू GDP इज एट द लोएस्ट एवर इन हिस्ट्री, तो इट हैज, देयर हैज टू बी प्रॉफिट ग्रोथ। और उसमें मार्केट साइलेंटली रिकॉग्नाइज कर रहा है कि गवर्नमेंट ने काफी रिफॉर्म किए, IBC, RERA, GST, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, पावर रिफॉर्म की कोशिश कर रहे हैं, माइनिंग रिफॉर्म, सेलिंग ऑफ PSUs। और मुझे हिंदुस्तान के लोगों की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, स्किल्स है, तो एक बार गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देगी तो इस देश में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ आ जाए। तो ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स से मेरे को लगता है कि बाजार, इसलिए और बाजार में टिपिकली क्या होता है कि जब बुल मार्केट चालू होता है तो एक बहुत बड़ा फॉल होता है। जब सेप्टेम्बर 11th हुआ तो BSE का जो नेक्स्ट वीक फॉल हुआ, वो इंडेक्स आज तक नहीं आया, कभी नहीं आया हिस्ट्री में, सेप्टेम्बर 11th 2001 के बाद। एंड देन द बुल मार्केट ऑफ 2001 to 2009 स्टार्टेड। तो यहाँ भी ऐसा हुआ है कि जो कोविड आया और इतना बड़ा फॉल आया और ऐसी रिकवरी आई कि सब ये सोचते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, रिमेन बेरिश। एंड मार्केट्स देन, यू नो हाउ मार्केट्स आर, दे लर्न टू ट्रिक पीपल, मार्केट्स डेथ रेन द वेदर एंड वुमन अपन, वी कांट प्रेडिक्ट, वी हैव टू फॉलो, वेरी ट्रू, कैन नॉट प्रेडिक्ट विद ग्रेट सर्टेनिटी, we try to predict it, but only the future will tell. तो मुझे लगता है इस कारणों से बाजार अच्छा है और अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, बिल्कुल, जिसको कहते हैं हम लोगों की नब्ज पकड़ ली। वो क्या है कि ब्याज कम हो गया, हिंदुस्तान में सेवर लोग कंजर्वेटिव रहे हैं कि ब्याज के पैसे से घर खर्च चल जाए, इतनी कमाई जिंदगी में कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। अब वो गणित बदल गया, अब वो ब्याज पर काम चल नहीं सकता, हालांकि ठीक ठाक सेविंग बना ली होगी, लेकिन लोगों को अभी भी पहले घर और गोल्ड, ये दो चीजें नजर आती हैं, वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते नहीं है, जबकि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा मजबूरी भी हो गई है। ऐसे में
लोग सावधानी रखते हैं, कौशन रहता है कि यार हाथ तो नहीं जल जाएंगे। तो ऐसे नए लोगों के लिए जिनको अब अच्छी सेविंग है जिनके हाथ और शेयर बाजार में जाना ही चाहिए, उनके लिए आप एकदम एक बेबी स्टेप्स के तौर पर बताना चाहेंगे तो वो क्या सलाह होगी? मैं तो बोलता हूँ कि देखिए, मैं 1985 में शेयर बाजार में आया जब सेंसेक्स था 150, आज सेंसेक्स है 37-38 हजार। तो इंडिया इज ऑन अ ग्रोथ पाथ एंड द इक्विटी मार्केट्स आर देयरफॉर ऑन अ ग्रोथ पाथ, राइट। और हर साल शेयर बाजार में जो इंडिया की जीडीपी है और उसका नॉमिनल इन्फ्लेशन है, उतना तो राइज शेयर बाजार में जरूर आना चाहिए। इनकम टैक्स में शेयर कंसेशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स कम लगता है, देन डेट। तो मेरे को लगता है, बट स्टॉक मार्केट इज अ वेरी, यू नो संजय, हर चीज लाइफ में अपने एटीट्यूड के बारे में। सब चीज समझते हैं कि ये सट्टा बाजार है, ये कोई हॉर्स रेसिंग जैसा है। इसके बजाय एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई डेट में अपने को पोस्ट टैक्स 4-6% मिलेगा, तो मेरे को लगता है इक्विटी में अपने को पोस्ट डेट 12-15% का मिलेगा। और जो पीरियड ऑफ टाइम में 5% में मेरा पैसा डबल होगा 15 साल में, आप समझे ना, 12% में मेरा पैसा डबल होगा 6 साल में। तो अपने को ये एटीट्यूड से शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेने चाहिए। एंड बिकॉज इंडिया एंड द इंडियन मार्केट्स ऑन अ कांस्टेंट अपट्रेंड, विदाउट ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, वी शुड बट पुट मनी इनटू इक्विटी एवरी मंथ। यही मेरी सबको सलाह है। या कोई आदमी प्रोफेशनल इन्वेस्टर है और 24 घंटे ये काम करता है तो बात अलग है। ये एक बड़ी गलती, सट्टा करने के लिए बिल्कुल ना 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 ना। मैं 10 लाख लोगों से मिलता हूँ, 9,99,900 बोलते हैं मैंने कमाया, मुझे मालूम है 9,90,000 झूठ बोलते, तो 10 लाख में से कमाते 900। फिर सब मुझे बोलेंगे कि आप तो सट्टा करते हो, सट्टा ही मेरा जल है आप बोले, और हमको मना करते हो। मैं बोला डैडी सिगरेट पीते थे, हमको मना करते हो। नहीं राकेश जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा और अपने को इलेबरेट करना चाहिए। वो ये है कि आप जैसे इन्वेस्टर्स को लोग ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते होंगे, लेकिन इनके पास तो समझ है, ज्ञान है, जानकारी है, रिसर्च है और फ्यूचर देख लेते हैं, मुंबई में रहते हैं तो ये स्पेकुलेट भी करते होंगे। आप ये जो स्पेकुलेशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट की डिबेट हमेशा चलती है, लोग बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको समझाइए थोड़ा और डिटेल में हमारे दर्शकों को कि स्पेकुलेटर का मतलब क्या होता है और आप जैसे लोग स्पेकुलेटर नहीं है, एक्टिव ट्रेडिंग अलग बात है। हम तो एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, क्यों नहीं स्पेकुलेटर? मैं तो स्पेकुलेटर हूं, मैं करता हूं स्पेकुलेशन, क्या उसमें क्या गलत है? लेकिन वो क्या है, वो 10 भगवान ने उसको करना चाहिए, वो भगवान ने 10 लाख जो लोग करते हैं उसमें से 400-500 को ही वो स्किल दी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई भगवान हूं या कुछ हूं, पर मैंने ट्रैक रिकॉर्ड रखा है। और सच्चाई ये है कि 10 लाख में से 9,90,000 नुकसान ही करते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग गोज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन नेचर। आप समझे ना, आप पूछ लीजिए अपने सब जो सुन रहे हैं कि कितने जनों ने ट्रेडिंग में पैसा कमाया। सही है। तो सच्चाई ये है कि द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, वेरी ट्रू। और आप समझते हो कि नहीं नहीं मैं तो होशियार हूं, मैं ट्रेडिंग में कमाया कमाऊंगा, तो करिए जरूर, मैं कम ना करूं। खाली मैं बोलना चाहता हूं देयर चांसेस आर अगेंस्ट यू, वेरी ट्रू। अब एक बात और बताएं, आपने बताया कि क्यों बाजार और ग्रोथ आपको हिंदुस्तान का बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी एक आम धारणा बनी हुई है और वो धारणा ये है कि शेयर बाजार में जो इस वक्त की तेजी है वो लीड कर रहे हैं बहुत लिमिटेड स्टॉक्स। तो अब बाजार में इतना स्टॉक ही नहीं है, इतने शेयर ही नहीं है जिसमें हम पैसा लगा सकें, ये बहुत ही पोलराइज्ड सा मार्केट हो गया है एंड प्रॉफिट्स आर गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यूअर हैंड्स। ऐसे में लोगों को जो लगता था कि पहले कुछ कंपनियां हैं 100,000 कंपनियां, अब लगता है शायद दर्जन भर होंगी, इसको थोड़ा इलेबोरेट करिए। तो आप कौन बोलते हैं जो कंपनियों में आपको लगता है कि कंसंट्रेशन नहीं है और वैल्यूएशन रीजनेबल है? अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप लियो, मैं तो जो सबसे बैटर्ड कंपनीज है, जो अनफैंसीड कंपनीज है, उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। ये वाला आर्ट सिखाइए, ये तो बूफे है, इसमें 3,000-6,000 डिशेज है, सब मत खाओ, जो है जो आपको पसंद है खाओ, ज्यादा मत खा लेना, बेअजमी हो जाएगी। और
सबसे अच्छी चीज जो फुल टाइम निवेशक नहीं है उसको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आने, तो नए लोगों को म्यूचुअल फंड के थ्रू आना चाहिए जिनको थोड़ा बहुत अनुभव है वो डायरेक्ट इक्विटी में आए। तो नेक्स्ट सवाल ये है इन लोगों के लिए कि कैसे स्पॉट करें अपॉर्चुनिटीज को इस वक्त। भाई आप रिसर्च करो कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप समझे ना। और संजय जस्ट लाइक मेडिसिन और इंजीनियरिंग इवन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज अ फुल टाइम प्रोफेशन, इट कैन नॉट बी डन पार्ट टाइम। तो बोले मेरी नौकरी है या मेरा बिजनेस है और मैं साइड में खुद शेयर ढूंढूंगा और इन्वेस्ट करूंगा और फिर मालूम है मुझे कब बेचना है और मेरे दोस्त के कंपनी फादर इन लॉ की कंपनी है और वो मैं ले लूँ, वो सब भैया चलता नहीं है। इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशनल वर्क और फिर इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। राकेश झुनझुनवाला इज स्टिल लर्निंग। आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ लर्निंग इन द स्टॉक मार्केट इन 1975। 40 साल 45 साल बीत गए, मैंने बहुत कुछ सीखा है लेकिन अभी भी सीख रहा हूं। राकेश भाई, इट्स नॉट बी टॉट, इट हैज टू बी लर्नड, लाइक राइट। तो राकेश भाई आप ये हमारे दर्शकों को लोगों को बताना चाहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो तो साइड जॉब हो सकता है, हाउस वाइफ भी कर सकती है, या थोड़ा सा पढ़ लिया अखबार में, थोड़ा बहुत इधर उधर देख लिया और दुगने हो जाते हैं। नहीं लगता है मेरे को, नहीं आप उसको रिकमेंड नहीं करते ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता हूँ। ये बात ऐसी है कि मेरे को बुखार आता है तो मैं रोलो लेके सो जाता हूँ, रेखा डॉक्टर को बुलाती है तो शी सेज आई नीड प्रोफेशनल हेल्प। और भैया ये पैसे का मामला है, एंड यू कैन नॉट मेक मनी ऑन हाफ बेक्ड एंड बोरोड नॉलेज, आप समझे ना। राकेश झुनझुनवाला सबको बात करके लखपति करोड़पति बना देता तो बना सकता था तो बना ही देता था। नहीं तो ये जो गिरीश जी पूछ रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है सर इसका, क्योंकि अब हम लोग वर्क फ्रॉम होम मोड में हैं। जाहिर है कि बहुत लोगों की इनकम कम हुई होगी तो लगता है कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का टाइम है। तो आपकी सलाह बड़ी क्लियर है कि ये आइडियली फुल टाइम जॉब है, लेकिन जो लोग कुछ करते हुए करना चाहें फिर उनको क्या ध्यान रखने का? अब वो तो यार संजय बहुत बहुत इंडिविजुअलिस्टिक बात तो बोल रहा है। अब कोई रिटायर्ड आदमी है, बट मैं खाली इतना बताऊंगा कि 40 साल हो गए मुझे लेकिन फिर भी सीख रहा हूं मैं, तो ये कोई सिखा नहीं सकता, ये सीखना पड़ता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग करके सिखाना पड़ता है, यू लर्न बाय ट्रायल एंड एरर। तो ऐसे में आप एक्सपर्ट की सलाह दे रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का रूट बेहतर है उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी कुछ काम भी कर रहे हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो एक्टिवली। और क्या है, बहुत लोग शेयर बाजार में पैसा कमाने के अलावा आते हैं इसलिए क्योंकि मजा आता है, एक्साइटमेंट है, थ्रिल है। तो मेरी एडवाइस ये, आप 80-90% पैसा और प्रोफेशनल्स को दीजिए, 10% में मजा करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको उस एक्साइटमेंट और थ्रिल और नॉलेज के लिए करना है तो बहुत छोटा पैसा रखिए आप अपने डायरेक्ट प्ले के लिए, लेकिन बाकी प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू म्यूचुअल फंड के थ्रू मैनेज करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक टका लेके म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो द कॉस्ट ऑफ 1-1.5% मैक्सिमम 2% तो द कॉस्ट ऑफ यूजिंग प्रोफेशनल हेल्प इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई। बिल्कुल। आजकल एक जो नई चीज देख रहे हैं, आप भी वैसे बहुत सारे विज्ञापन देखते रहते हैं, ट्रेडिशनल ब्रोकरेजेस, म्यूचुअल फंड्स, फिर कई नई डिजिटल प्ले आ गए हैं, डिजिटल एप्स आ गए हैं, यंग ऑडियंस जरा उसकी तरफ भी देखती है। तो जो बिल्कुल इनिशिएट करना चाहता हो ऐसी चीजों को, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, हूँ किसके पास जाना चाहिए, क्या क्या सीखना है उनको? डेली ट्रेडिंग नहीं, जिसको इन्वेस्टमेंट भी करना है, जो एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, वो किस तरह के प्लेटफॉर्म्स के पास शुरुआत करें? इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें कोई एक चीज की सेंस नहीं यूज कर सकते, एवरी सेंस हैज टू बी यूज्ड एंड द यूजिंग ऑफ एवरी सेंस नीड्स डेवलपमेंट। तो मेरे को तो शेयर बाजार में सबसे बड़ा मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं सब चीज देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, कंक्लूजन करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी ये है कि भाई कंक्लूजन राइट आता है कि रॉन्ग आता है वो तो समय बताएगा। तो ये एक सीखने की, इट्स अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो हर आदमी को एफर्ट करना चाहिए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, किताबें पढ़िए, लोगों से बात करिए, खुद थोड़ा बहुत सौदा करिए, तो ये आदमी समझता है। देयर इज नो फॉर्मलाइज्ड बुक और कोर्स, इट्स लाइक लाइफ, इट्स लाइक फिलॉसफी।
गिरीश जी आप भी बीच बीच में कुछ और सवाल लेने के लिए आएंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा डिस्कशन। क्या सर, मैं तो थोड़ा सा राकेश भाई की बात सुन के चिंतित हो गया हूँ। जनरली हम लोग ये मानते हैं कि राकेश भाई तो सुनेंगे, कोई टिप लेके बाजार में जाएंगे और अगले हफ्ते दिवाली हो जाएगी, तो मैं तो दिवाली नहीं हो रही उसका सोच के चिंता में आ गया हूँ थोड़ा। नहीं। तो पूरे हिंदुस्तान की दिवाली कर देता। लेट अस, यू आर ओवर एस्टिमेटिंग राकेश झुंझुनवाला। नहीं तो इसमें प्रॉब्लम है, मैं भी 10 डिसीजन लेता हूँ तो उसमें शायद 4 गलत निकलते। फिर इसमें ये शेयर बाजार मेरे बाप का नहीं है। There is only one king and that is the market. मैं भी बहुत बार भाई, आपने जो एडवाइस दी ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है लोगों को जोखिम समझना। ये आपने जो बात बोली ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार तो किस्मत है या क्या हम सट्टा खेल सकते हैं, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि राकेश झुंझुनवाला 40 साल इस बाजार में रहने के बाद भी आज भी सीख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हमारे दर्शकों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। संजय जी, ओवर टू यू। जी नहीं, जो गिरीश जी कह रहे हैं सर उसमें कैच है। कैच मैं बताता हूं आपको। आज मैं एक इम्पॉसिबल काम करना चाहता हूं। बरसों से आपके इंटरव्यू सारे हिंदुस्तान में लोग देखते हैं, मैं भी कई बार इंटरव्यू कर चुका हूं। लोग आपके पास आते हैं 2 सवाल का जवाब लेने के लिए और आप उसका जवाब कभी नहीं देते। आज अगर आप जवाब दे देंगे तो फिर गिरीश जी मुझे इस शो को करने के लिए बाकायदा पेमेंट करेंगे। अगर आप नहीं देंगे जवाब तो आज फ्री का शो है। ठीक है, लेकिन सवाल का जवाब चाहिए। मैं पूछता हूं 2 सवाल क्या है। नंबर 1, लोग कहते हैं कि अच्छा कंपनी बताइए, तो आप सेक्टर से ज्यादा आगे नहीं जाते, आप कंपनी नहीं बताते हम लोगों को कभी भी। दूसरा, बाजार में इतनी फेक न्यूज चल रही है, आपको डिनाई करना जरूरी है या क्लैरिफाई या कंफर्म करना जरूरी है। मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी नेटवर्थ जानने में, लेकिन एक पॉइंट है सर, एक पॉइंट है। वो पॉइंट ये है, राकेश झुंझुनवाला 15,000 के हैं, 20,000 करोड़ के हैं, 8,000 करोड़ के हैं, 25,000 करोड़ के हैं, YouTube के वीडियो बनते हैं, विकिपीडिया पर $2.5 billion का आपका। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको आंसर करता हूँ कि मैं कंपनी नहीं बताता हूँ, क्योंकि आज समझो 5,000 लोग सुन रहे हैं। मैं बोलता हूँ आप ये कंपनी के शेयर ले लो, कल कुछ चेंज हो गया मैं तो शेयर बेच दूंगा। मेरे को क्या मालूम कौन 5,000 सुन रहे हैं। मैं क्या पब्लिक नोटिस दूंगा कि राकेश झुंझुनवाला ने आपको बोला था कि ये शेयर अच्छा लगता है आप ले लो, और उसने बेच दिया आप बेच दो। ठीक बात है। तो यू कैन नॉट, इट्स अ डायनेमिक मार्केट। दूसरी चीज क्या होता है कि मैं गुड इंटेंट से डिक्लेयर करता हूँ, बट देर आर सो मच रेस्ट्रिक्टिव रिक्वायरमेंट अंडर अवर सेबी लॉ, ट्रू दैट आई एम नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। Therefore, for me to invest, advice specifically for party company is wrong. और दूसरी चीज ये संजय की, समझो मैं सीखा लाइफ में, मैंने जॉर्ज सोरोस से सीखा, मैंने जिससे भी सीखा, मैंने राधाकृष्ण से सीखा, मैंने वॉरेन बफे से सीखा, पढ़ पढ़ के। उन्होंने थोड़ा कोई मेरे को न्यूजल कंपनी बताई है, राइट? इट इज लाइक सेइंग दैट यू वॉन्ट टू टीच समवन, यू वॉन्ट टू गिव समवन फिश, और यू वॉन्ट टू टीच हिम हाउ टू फिश। So you have to learn to fish rather than take it, you know, getting a fish from Rakesh. बिल्कुल। Second thing, मेरे नेटवर्क का मेरे को एक चीज लगता है, जब मुझे फिकर नहीं है तो दुनिया को क्यों फिकर है? रोल मॉडल है इसलिए। नहीं नहीं, बड़ा सिंपल है सर। फिकर नहीं है, मेरे बच्चों को फिकर नहीं है, मेरे भाई को फिकर नहीं है, तो गांव को क्यों फिकर है मेरे पास कितना पैसा है? सर इसलिए बिल्कुल नहीं है कि कितने जीरो है। तो नहीं है कि मेरे शादी करने वाले हैं। नहीं नहीं, ऑनेस्टली राकेश जी, किसी को जीरो में इंटरेस्ट नहीं है। हाउ वन अचीव सक्सेस, उसको जानने के लिए एक बेंचमार्क मिलता है लोगों को। इसीलिए आपके बारे में कितनी बातें होती है, लोगों ने पैरोडी अकाउंट बना रखे हैं आपके। अभी देखो कि कौन क्या बनाता है, कोई मजाक करते हैं, करने तो मेरे वहां का क्या जाता है। मैं तो उसको एंडोर्स नहीं करता हूँ। मैं ना हाँ बोलता हूँ ना बोलता हूँ। जिसको जो बोलना है बोलो। अरे अब गली में खड़े रहकर कोई कुछ भी चिल्लाएगा तो मैं जाऊं उससे लड़ने को, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कुछ, मैं कुछ किसको एंकरेज नहीं करता हूँ। आई वॉन्ट नो पब्लिसिटी। मैं तो गिरीश को फोन करके नहीं बोलता हूँ मेरा इंटरव्यू लो, आप समझे ना। तो मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए नहीं। अब गांव, तुम्हें तो राजेश खन्ना बोलता है ना शर्मिला टैगोर को, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने दो, मजाक करने दो। हाँ गिरीश जी कुछ कहना चाहते हैं। राकेश भाई, जैसे अभी जैसे आपने शेयर मार्केट के बारे में बताया कि वन हैज टू बी वेरी मैच्योर, बहुत जिम्मेदारी से, बहुत गंभीरता से डिसीजन लेना चाहिए, जो पैसे का मामला है
और एक ही किंग है, वो है बाजार। कोई दूसरा किंग अपने आप को मान ले तो उसकी गलतफहमी। हिंदुस्तान में और दुनिया में जो कोरोना अभी हुआ है, वापस रिकवरी हो रही है, अभी मैं जीएसटी के नंबर देख रहा था, उनमें भी काफी सुधार आया है। आपके हिसाब से अगले 6 महीने आप हिंदुस्तान या दुनिया के बारे में आपकी क्या राय है, दुनिया के और हिंदुस्तान के शेयर मार्केट के बारे में? देखो, हिंदुस्तान का मार्केट काफी बड़ा है, 7,500 रुपए इन द फेस ऑफ सच अ बिग क्राइसिस। मेरे को लगता है कि बाजार आप नेक्स्ट 6 महीने में एक रेंज बना देगा, समझो 11,000 का नहीं घटेगा, 12,000 का नहीं बढ़ेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? 7,500 का बाजार 11,500-12,000 में रुक जाए और फिर बाजार घुटेगा फॉर अ सेकेंड राइज, राइट? और उस टाइम पे अपने को स्क्रिप्ट वाइज बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकती, कि कोई स्क्रिप्ट घटेगी, कोई स्क्रिप्ट बढ़ेगी, मेरे ये थिंकिंग है। वर्ल्ड वाइड मार्केट में गिरे जब तक ये इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे या कोई बहुत जियोपॉलिटिकली डैमेजिंग चीज नहीं होगी, राइट? तो मेरे को नहीं लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट घटेगी। एक चीज इसी से जुड़ी हुई हिंदुस्तान के बारे में, क्योंकि ये इकोनॉमी बिल्कुल एक नए तरीके से रीसेट हो रही है, तो इकोनॉमी पूरी नए ढंग से रीसेट हो रही है, तो ऐसे में अगर थोड़ा सा सेक्टर वाइज चलें, जो सेक्टर अभी अच्छा कर रहे हैं और जिन सेक्टर्स में स्ट्रेस है उनको आप कैसे देखते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं? नहीं देख संजय, मेरे को लगता है कि जो सेक्टर्स में स्ट्रेस है उनमें जो अच्छी कंपनियां हैं जो अपने जजमेंट में सर्वाइव करेंगी, मेरे लोगों को लगता है सबसे बड़ा पैसा उसमें आएगा। और देखो, मेरे को बहुत बड़ा लंबा जो रिफॉर्म गवर्नमेंट कर रही है और जो इंडियन लोगों की इनहेरेंट स्किल है और इंडिया की डेमोग्राफिक्स है और जो अंडर एक्सपोजर और इक्विटी और इंडिया में प्लेटफॉर्म है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरे को लगता है बहुत लंबा बड़ा तेज बुल मार्केट आने वाला है। उस बुल मार्केट में सभी चीज में टर्न बाय टर्न राइज आएगा, तो अभी जो लेना है। लीडिंग सेक्टर्स कौन से देखते हैं आप? लीडिंग सेक्टर्स मेरे को फार्मा अच्छा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगता है, आईटी इज गुड, बैंक्स आर गुड, ओवर पीरियड ऑफ टाइम सब चीज अच्छी होगी। बैंक्स को आप गुड बता रहे हैं, इसको जरूर थोड़ा सा हम लोगों को समझाइए, क्योंकि अभी ऊपर से देख के लग रहा है बैंकिंग में बहुत स्ट्रेस है। हाँ, लेकिन एक चीज ये है ना, तो या इंडिया विल नॉट ग्रो और द बैंक्स विल ग्रो, इंडियन ग्रोथ एंड बैंक ग्रोथ इज लिंक्ड। और एक बात में क्या होगा कि अभी तक अपने लास्ट 7-8 साल में खाली बैंकिंग की क्राइसिस देखी है, मेरे को लगता है वो बैंकिंग की कॉर्पोरेट में तो क्राइसिस पीक हो गई है, और इसके बाद देयर आर बहुत कम बैंक्स हैं इंडिया में जिनके पास डिपॉजिट फ्रेंचाइज है, और जब इकोनॉमी प्रॉस्पर होगी तो क्रेडिट ग्रोथ भी 15-16% हो जाएगी, बैंकों के पैसे का डिमांड आ जाएगा, तो इट इज ऑल इंटरलिंक्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और आप अगर इलेबरेट करें, क्योंकि हमको भी यही लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा ड्राइवर ग्रोथ का और जॉब का वही होगा, लेकिन अब जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस की परिस्थिति है और जिस तरीके से हमको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाउसिंग को पहला पुश हमेशा सरकारी पब्लिक वर्क्स के मैसिव पुश से आता है, वो अभी उस स्पीड पे मोमेंटम आ नहीं रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अपॉर्चुनिटीज कैसे स्पॉट करेंगे? क्योंकि कंपनियां भी कम हो गई हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर में थी कि भाई गवर्नमेंट का काम करो, डिस्प्यूट करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो अब लोगों ने काम करना बंद कर दिया है, हायर रेट कोट कर रहे हैं, कम कंपनियां रह गई हैं, तो जो हिसाब से कंपनियां हैं और जो हिसाब से अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। ओके, रियल एस्टेट स्ट्रेस के बारे में आपका क्या कहना है? रियल एस्टेट में मेरे को लगता है कि भाव बढ़ेंगे नहीं, लेकिन बॉटम बन गया है और सेल मोमेंटम पिकअप होगा। और ये जो दूसरे डायरेक्टली इंपैक्टेड सेक्टर्स हैं, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन, सब आएंगे धीरे धीरे, और वो सीक्वेंस में आएंगे, पहले रिटेल अच्छा होगा, फिर हॉस्पिटैलिटी होगा, फिर एविएशन होगा। जी, एक चीज और है जिसके बारे में पिछले दिनों में हमने बहुत बात की और बड़ा फर्क पड़ा है, वो है डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल ने बिल्कुल पिकअप किया है बड़े पैमाने पर,
उसमें समस्या ये है कि लिस्टेड कंपनीज तो ज्यादा है नहीं, लेकिन वहां पर नई वेल्थ क्रिएट होगी, लेकिन वो शेयर बाजार के बाहर रहने वाले लोग हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी के ग्रोथ का फायदा वाइड स्प्रेड कैसे होगा, कब होगा, क्या करना चाहिए? तो डिजिटल इकोनॉमी का फायदा अपनी सब आईटी कंपनीज को होगा ना, उनका काम बढ़ते जाएगा और वो आएंगे ना, लिस्ट होंगे सब। आईटी कंपनीज तो हैं, लेकिन जो प्योर टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, मैं उनकी बात, टेक्नोलॉजी कंपनीज भी थोड़ी थोड़ी लिस्ट होंगे ना, इंडिया निवेश लिस्ट हुई ना। आपको लगता है वो नई पाइपलाइन है जो जब हम लोग कहते हैं नए आईपीओ आने वाले हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज विल बी ऑन द फ्रंट फोर फ्रंट होना चाहिए? ओके, एक बात पर आपका फोकस बहुत रहा है, आपने अभी बोला भी कि लोगों के पेमेंट नहीं आते सरकारी कंपनियों से अगर काम करते हैं सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, और दूसरी बात आपने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये तो देखिए पॉलिसी और रिफॉर्म का भी सवाल नहीं है, ये तो प्रोसीजर्स को फिक्स करने का सवाल है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आपकी क्या फिक्र है? नहीं नहीं, बट द प्रोसीजर्स विल कम थ्रू पॉलिसी ओनली ना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको अभी क्या चैलेंज दिखता है? लेबर लॉस थे, अब चेंज किए उन्होंने, मतलब सेकेंड थिंग जैसे माइनिंग है, आप पहले माइन, कोई भी कोल ऑक्शन माइन हो तो यू हैव टू यूज द कोल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड द प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब दोनों चीज निकाल दी उन्होंने, दैट द कोल कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस एंड द प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म्स आर बिकम डाइल्यूटेड। इट्स अ प्रोसीजर ही है ना। और जी, और जो एक नई बात चली है हम लोगों के बारे में वो ये है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस प्रकार की हो गई है। इसमें आपको कितना प्रोग्रेस अभी दिखता है? मेरे को लगता है प्रोग्रेस अभी, अपनी गाड़ी 4 किलोमीटर में चल रही है, देखिए 20 किलोमीटर में चलेगी और 3 साल में 80 किलोमीटर में चलेगी। ओके, बस संजय आपने रेट ऑफ टैक्स कम कर दिया, आपने लेबर लॉ बढ़ा दिए, लेबर लॉ सिंप्लीफाई कर दिए, हर स्टेट गवर्नमेंट जमीन देने को तैयार है, आइटम पे इंपोर्ट ड्यूटी है और इंडिया इज अ बिग मार्केट। आज एप्पल को 1 मिलियन फोन बना इंडिया में बेचने हैं तो वो इंडिया में बनाएगा तो स्टैंप ड्यूटी बच जाएगी उसकी, उसको जमीन देती है गवर्नमेंट, 16% डायरेक्ट है, इंसेंटिव देती है, लेबर का हायर एंड फायर है, तो फिर और वो फिर इंडिया से 3 मिलियन बना के 2 मिलियन और एक्सपोर्ट करेगा। उसमें अभी तक जो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, धीरे धीरे चालू हो रहा है, गाड़ी जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, जोर जोर से स्पीड पकड़ेगी। ओके, आप ये कह रहे हैं कि अभी शायद थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन बाहर से लोग कंपनियां आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, तो एक नंबर जो लोग बताते हैं कि यहाँ का जो पावर ट्रांसपोर्ट ये वो सब टैक्स वगैरह का जो कॉस्ट है टोटल, कंपेयर करें अपन वियतनाम से, तो आईफोन के एग्जांपल पे मैं था कि 15% का फर्क है कॉस्ट में। नहीं लगता है मेरे को, क्योंकि पावर कॉस्ट अभी गवर्नमेंट उसका रिफॉर्म कर रही है ना, तो भी आप क्रॉस सब्सिडाइजेशन नहीं कर सकते हो, अब ऐसा नहीं कर सकते हो कि घर में 1 रुपए में इलेक्ट्रिसिटी दो और पावर और इंडस्ट्री को 6 रुपए में दो, आपको सब्सिडी जो देनी है खुद दो, इंडस्ट्री को भी जो कॉस्ट है उसके हिसाब से। दैट इज द लेटेस्ट बिल द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग। तो जो हम लोग बात करते रहते हैं कि कॉस्ट के कारण लोग नहीं आएंगे, वो आपको लगता है कि द स्टोरी इज गेटिंग ओवर और इट इज स्टिल सम वर्क दैट हैज टू बी डन? नो नो, सी द आई डोंट थिंक कॉस्ट, लेबर कॉस्ट इन इंडिया इज मच लोअर, नो आई थिंक पीपल आर नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन सर वो ऑफसेट हो जाता है फ्यूल जैसे एक कॉस्ट से। इससे फ्यूल वेल उसका तो बहुत मिनिस्कुल अपने को संजय एस्टिमेशन करना पड़ेगा, तेरे मेरे को नहीं बोल सकते अपन। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट ऑल्सो, बट आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग विल कम टू इंडिया नाउ। और ऐसा होता तो फिर बनाया जाओ तो 500,000 बाइसाइकिल्स कहाँ से एक्सपोर्ट करता तू? ओके ओके ओके। दूसरी एक बात और बताएं आप कि अभी जिस तरह की इकोनॉमी हो गई है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है? जैसे पहले हम लोग बात करते थे, काफी फोकस करते थे कमोडिटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों पर, तो अभी कमोडिटीज बेस्ड कंपनीज आपको आगे जाते हुए कैसी दिखती हैं कंपेयर टू सर्विस ओरिएंटेड, कंपेयर टू अदर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसेस? बोला ना यार, सब इतना बड़ा लंबा बुल मार्केट है, सबका चांस है।
अब कब किसका चांस लेना चाहिए वो तो मैं नहीं बता सकता। तो जो आप इमीडिएट सेक्टर्स बता रहे हैं वो बेसिकली फार्मा, मैं कोई इमीडिएट सेक्टर नहीं बता रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म सेक्टर बता रहा हूं। तो लॉन्ग टर्म की एक बार लिस्ट अपन फिर से बनाएं, फार्मा आपने एक बोला, बैंकिंग दूसरा बोला, बैंकिंग, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, सभी सेक्टर में कमाई होने वाली है। क्या जहां सबसे ज्यादा पेसिमिज्म है और जहां सबसे ज्यादा बैटर्डनेस है सबसे ज्यादा कमाई है। ओके ओके। बहुत सारे लोग ये कहते थे पिछले दिनों में, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू नहीं था, पैसा बहुत आ रहा था। गिरीश जी स्क्रीन पर हैं, शायद कुछ सवाल है उनके पास। नहीं, आप कंटिन्यू करिए जी। वो ये कि चूंकि लिक्विडिटी बहुत थी तो लोग फिर से ढूंढने लगे थे मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स भी, तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे कोई खास व्यू अलग से बनाने की जरूरत है? मैंने कभी सोचा नहीं है, मेरे को कंपनी अच्छी लगती है तो मैं खरीद लेता हूँ। वो मिड कैप में मेरा फ्रेंड बोला वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन मिड कैप और स्मॉल कैप, और लार्ज कैप में बोला लेट्स इन्वेस्ट इन द मिड कैप्स व्हिच विल बिकम लार्ज कैप्स। आप समझे ना, मैंने जब टाइटन लिया तो मिड कैप था, अभी लार्ज कैप है। तो संजय, मैं अपने आप को इतना होशियार नहीं समझता हूँ कि अभी मैं मिड कैप लूंगा फिर वो बढ़ जाएगा, फिर वो लार्ज कैप का टाइम आएगा जब मिड कैप बेच दूंगा, फिर वो लार्ज कैप ले लूंगा, फिर थोड़े दिन बाद लार्ज कैप बेचूंगा। दोस्त मैं तो इतना होशियार हूँ। अच्छा, एक जो नया ट्रेंड दुनिया भर में है, कोई इंडिया के लिए नई बात नहीं है राकेश जी, इस पर आपके थॉट्स बहुत इंस्ट्रक्टिव होंगे लोगों के जानने के लिए, वो ये है कि अब विनर टेक्स ऑल मार्केट हो गया है क्या? यानी कि आपने जैसे रिटेल विनर लाइफ टाइम का नहीं है ना, वो विनर वो बोलते हैं ना अपन, वो क्या बोलते हैं, रिले रेस खेलते हैं साइकिल पे, तो सबका चांस आएगा। वो है ना वो गाना, मेरा भी दिन आएगा, वो कौन सा गाना है उसकी पिक्चर का, आएगा हमारा दिन भी आएगा, हमारा टाइम भी आएगा। सही है। नहीं, आपसे मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या आपको ये इशू लगता है इन टर्म्स ऑफ वाइड स्प्रेड प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, कि अभी जो मार्केट के डायनामिक्स हो गए इंडिया के भी बाहर के भी, वो ये हो गए हैं कि एक या दो प्लेयर है हर बड़े सेक्टर में, तीसरे चौथे का स्पेस नहीं है, बहुत पीछे रह जाता है। बट दैट इज वेरी गुड फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ना। अमेरिका में कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जीडीपी इट इज एट ऑल टाइम हाई, व्हाई? बिकॉज इंडस्ट्री हैज गॉट कंसोलिडेटेड, सो दे हैव गॉट प्राइसिंग पावर। बट श्योरली देयर विल बी निश कंपनीज, देयर इज अपॉर्चुनिटी इन स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, एवरीवेयर। और मैं अपने आपको इतना होशियार नहीं समझता हूँ कि अभी मिड कैप चलेगा ले लो, फिर अभी के अभी टाइम आ गया बेच दो, अभी स्मॉल कैप ले लो, अपने को नहीं मालूम होता है। तो भी मुझसे बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं, लोग अभी भी कह रहे हैं पूछो कि मंडे को सुबह राकेश जी क्या करेंगे, वो राकेश जी को ही नहीं मालूम। अच्छा, एक चीज आपको आगे जाते हुए, जिसको कहते हैं ना एक्सेलरेट करना चीजों को, क्योंकि अपन पोटेंशियल की बात बहुत करते रहे, इंडिया में सबको इंटरेस्ट है की बात करते रहे, चाइना लोग जाना नहीं चाहेंगे ये भी बात करते रहे, इसको देखते हुए बड़ा पुश मारने के लिए की ड्राइवर्स, की कैटलिस्ट आपको क्या लगते हैं जो अभी भी अपने को करने की जरूरत है? देखो, थोड़े तो नेचुरल है कि इंडिया इज अ लार्ज मार्केट फॉर एवरीथिंग। अब एक चीज समझो ना कि मेरे को 5 लाख चीज आइटम इंडिया में बेचना है और मेरी दूसरी कंट्री में 50,000 है, तो मुझे 5 लाख इंडिया में भेजने के बजाय 1 मिलियन इंडिया में बना के दूसरी जगह बेचना बेटर है। सो इंडिया इज अ लार्ज मार्केट। फिर इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो इट इज कॉस्टली टू सेल इन इंडिया इफ आई डोंट मैन्युफैक्चर। फिर तुमने रेट ऑफ टैक्स 16% कर दिया विच इज मोस्ट कॉम्पिटेटिव। फिर आप लेबर रिफॉर्म ले आए, लैंड इज अवेलेबल, देयर इज अबंडेंस ऑफ पावर अवेलेबिलिटी, राइट? और अभी दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर बन जाएगा तो बॉम्बे से दिल्ली शिपमेंट डेट 36 घंटे रह जाएगा। क्या आप 36 आप माल दो दिल्ली में और बॉम्बे में शिप हो जाएगा 24 घंटे में। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब डेडिकेटेड कॉरिडोर सब बन जाएंगे, दिस इज फॉर दिस पर्पज ओनली, फॉर फास्टर मूवमेंट ऑफ फ्रेट। तो मेरे को लगता है कि ये प्रोसेस है संजय, और ये एक चीज नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग का ही काम आएगा, हर चीज इंप्रूव होगी ना। तो एक चीज बता, मैं 7 महीने से
मेरे ऑफिस नहीं गए, मेरा काम परफेक्ट चल रहा है. इफ इंडिया वॉज नॉट डिजिटाइज्ड, राइट, लुक एट द एफिशिएंसी दैट ब्रिंग्स. आज मेरा आदमी जो मेरे साथ काम करता है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, उसको मुझे ले जाना है. पहले तो कुछ नहीं था, उसके आधार के बेस से पासपोर्ट बन गया, उसका बैंक अकाउंट है. मैं अप्लाई किया यूएस कॉन्सुलेट को, से वीजा ले लिया. आज वो आदमी का मेरे रामू की आइडेंटिटी है. तो ये थोड़ी कोई प्रोग्रेस हो रहा है. 10 साल पहले 15 साल पहले मेरा आदमी जो घर पे काम करता है वो अपने बच्चों की फोटो 9-11 महीने नहीं देखता था, बीवी से बात नहीं कर सकता था. आज 1-1 घंटे बीवी से बात करते हैं वीडियो पे. तो ऐसा थोड़ा कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है. अच्छा, ये चीजें जब मिलेंगी और साथ में आएंगी तो इट विल एक्सप्लोड. इट्स अ प्रोसेस, इट विल कंटिन्यू. मेरे को लगता है 3 से 4 साल में इंडिया में 10% ग्रोथ आ जाएगा. मैं गलत हो सकता हूँ एज ए इंडियन, दैट मे बी देर इज सम इमोशन इन्वॉल्व, बट मेरे को लग रहा है ये सब जो हो रहा है ना, पीपल आर अंडर एस्टिमेटिंग द इफेक्ट. राइट, एबिलिटी ऑफ इंडियंस टू डू थिंग्स वंस दे आर लिबरलाइज्ड. आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा रख दिया अपनी तरफ से ही कि 3 से 4 साल में आप अगर 10% का ग्रोथ देख रहे हैं तो ये अपना साल तो चलिए चला गया, कह रहे हैं लोग कि -10%. बैक टू 2019 लेवल आपको 21 में दिखता है या 22 में दिखता है? मेरे को लगता है कि 21 में ग्रोथ डबल डिजिट में आएगा, तो वी विल रीच 2019 लेवल. लेकिन ये डबल डिजिट का मतलब तो आप रिकवरी के तौर पर कह रहे हैं, रिकवरी जहां से हम गिरे हुए हैं वहां से रिकवरी. भैया तू मेरे को भी ज्यादा स्टैटिस्टिक मत ठोक. मैं बोल रहा हूँ इंडिया विल ग्रो 10%, तू अभी उसका स्टैटिस्टिक ठोक नहीं, उसका नारियल को तोड़ मत. वो 24 में करेगा कि 25 में करेगा भगवान को ही मालूम है, लेकिन करेगा. No, 10% from 19-20 levels. तो राकेश भाई, मोटा मोटा जो आप कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हैं. तो कहना चाह रहा हूँ 4-5 साल लग सकते हैं, 10-9 हो सकता है, 8 हो सकता है, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड देन इट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर डिकेड्स. अग्रीड. तो इसका एक मतलब ये भी हुआ, इसका एक मतलब ये भी हुआ कि इसका एक मतलब ये भी हुआ कि आप हमारे दर्शकों से बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग शेयर मार्केट में देख रहे हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखें, ऐसा नहीं सोचें कि 6 महीने साल भर में कमाई होगी. अगर वो चार, ये मेरी थिंकिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ. मैं अपना पोर्टफोलियो, अपना एक्शन अपनी थिंकिंग से करूंगा ना. मैं किसकी, मैं सबकी बात सुनता हूँ, फिर जो मुझे समझ आता है करता हूँ. तो मेरी ये थिंकिंग है, ये गलत हो सकता हूँ, आप समझे ना. बट आई डोंट शेयर दिस pessimism. अभी कोविड कब आ गया, ये क्वार्टर में 9% नेगेटिव है. अपने को एक चीज पक्का है कि ये कोविड कोई ग्रेट क्राइसिस नहीं क्रिएट करने वाला. इट्स नॉट गोइंग टू डिस्टेबलाइज द कंट्री, इट इज नॉट सच अ बिग क्राइसिस. नो नो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो आई जज दैट इट विल नॉट डिस्टेबलाइज द कंट्री. और मेरे को लगता है जो चेंज है, हर कंपनी की बात कर क्या एफिशिएंसी ला रहे हैं. अग्रीड. क्रिस को पूछ कितना कॉस्ट काटा है उसने. So question is, what I believe is that this COVID cannot destabilize the country beyond a point. और जब ये खुलेगा तो the growth will be unbelievable. नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 4 से 5 साल भी आपने कह दिया तो आप cautious होने के नाते कह रहे हैं 10%. मेरा सवाल खाली clarity के लिए था कि 19 level जो है वो अगले साल है या उसके अगले साल है. I am saying 2019-20 की जो growth figure था, GDP थी, right? It will exceed 10, मतलब it will go at 5% growth, 6% growth, 8% growth, ऐसे ही जाएगा ना. मेरे को लगता है 21-22 में तो बहुत ही हाई ग्रोथ आएगी, 12%, 15%. और फिर 22-23 में 5%, 6%, 8% ऐसे जाएगा. बस गुरु जी यही समझने की कोशिश कर रहे थे हम आपसे. यही समझाया मैंने. अच्छा, अब एक पॉइंट पर थोड़ा सा और आप फोकस करें हमारे लिए. ये हेल्थ और एजुकेशन, क्योंकि डिजिटल का बहुत बड़ा पुश आया, सचमुच एकदम लाइफ बदल गई है द वे वी कंडक्ट आवर बिजनेस. उसमें हेल्थ तो जाहिर है कि
कोरोना के कारण एक पुश पाएगा, सभी लोग ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे, जरूरत होगी हेल्थ केयर के इसको बढ़ाने की। एजुकेशन दूसरा सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है डिजिटल के कारण इमीडिएट ग्रोथ आने वाली है। इसमें रूरल कनेक्टिविटी वगैरह का हिसाब किताब देखते हुए आपको ये दोनों सेक्टर में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ में, हेल्थ और एजुकेशन दोनों में बहुत अपॉर्चुनिटी है संजय। मैं बोलता हूं दोस्त, इस देश में हर चीज में अपॉर्चुनिटी, आप समझे ना? बिल्कुल। गिरीश जी, कुछ और सवाल आपकी तरफ से? संजय जी, जैसे जैसे राकेश भाई आपने बताया कि आप बहुत पॉजिटिव है देश को लेकर, तो इससे मैं एक दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर देश में तरक्की होगी 8%, 9%, 10% से, तो इसका मतलब है जो आज देश का युवा है वो बहुत आशान्वित होना चाहिए, उसको हो जाना चाहिए कि वो अगले 3-5 साल में वापस बुलंदियों पर देश को पहुंचा सकता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकलेंगी। क्योंकि अगर देश 9-10% पे पहुंचेगा, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। बुलिश, मेरे पास स्टॉक मार्केट की इतनी फिगर नहीं है, मुझे मेरे देश की फिगर है। और स्टॉक मार्केट जब भी बढ़ेगा और सस्टेन होगा जब देश की उन्नति होगी, उसके बिना स्टॉक मार्केट 2-3 साल उन्नति नहीं हुई तो स्टॉक मार्केट नहीं ठहरने वाला है। यह सब नॉर्मल, सब ऑप्टिमल हो जाएगा। सबसे इंडियंस, लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक, लेट अस बिलीव इन आवर सेल्स and let us not blame any political party, Congress, BJP, for what circumstances, or bureaucracy, in what circumstances we are. The bureaucracy, the government is elected by us. India is what we Indians have made it. Let us realize this. कुछ हमारे युवाओं के लिए caution point बताना चाहेंगे आप? क्योंकि देखिए, सबको अच्छा तो दिखता है, सबको अच्छा दिखता है कि राकेश झुंझुनवाला कहां से कहां पहुंच गए, संजय जी ने बहुत प्रयास किया कि आपसे निकलवाएं, कितनी आपकी वर्थ है, तो सब लोगों को अच्छा तो बहुत दिखता है। लेकिन आई एम श्योर कुछ ना कुछ परेशानी के दिन या कुछ ना कुछ कॉशन एरिया आपके दिमाग में भी होंगे, तो वह आप बताना चाहेंगे कि हमारे पास क्या कॉशन होने चाहिए? देखो, शेयर बाजार में कॉशन इतना ही है कि ससुर जी और बाप के पैसे से सौदा मत करो, और याद रखो कि ये शेयर बाजार आग है, यू आर प्लेइंग विथ फायर। तीसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करो, सही काम करो, ड्रीम करो। यू कांट अचीव विदाउट ड्रीमिंग, बट ड्रीम 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 बट विद कीपिंग योर हेड हाई एंड योर फीट ऑन द ग्राउंड। आपके ड्रीमिंग से मुझे याद आया आपका वाक्य, एक बार आपने बताया था कि आप कलकत्ते से बंबई ट्रेन में आए थे और शायद उस वक्त हालात क्या थे, तो जरा उस बारे में एक आध मिनट बताना चाहेंगे, याद दिलाएंगे हमारे को आप? मैं भूल गया तो क्या बताएगा। नहीं, जब आप शुरू में, जब आपने व्यापार शुरू किया था अपना, जब आप राकेश झुंझुनवाला, जो आज के राकेश झुंझुनवाला वो नहीं थे। मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे पूरे दोस्त सब पैसे वाले थे, वो सब प्लेन से जाते थे, हम तो ट्रेन से जाते थे। मेरे पिताजी ने सिखाया था, आई मीन एस्पायर बट डोंट एंड। आप समझे ना कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसको एस्पायर करो, बट उसके लिए दूसरे को एनवी मत करो, जलन मत करो। हमारे मेरे सब कॉलेज के फ्रेंड खुद की गाड़ी में आते थे, मैं तो बस से जाता था, कभी मैं कॉलेज से गाड़ी बस में नहीं आया, हमेशा गाड़ी में आता था, कोई फ्रेंड छोड़ता था। लेकिन हम मुझे कभी ऐसी आशंका या मैं जो है उस मेहनत करो, कोशिश करो, देने वाला वो है, और जो मिले उससे खुश रहो। But hard work, passion, belief in yourself, risk taking. But everything in life has to be measured. आप समझे ना, India has a great future. We all have to participate in it. Believe in this country. And learn not to blame others. India, ये बहुत अच्छी बात, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि learn not to blame others. India is what all of us have made it. Not any politician, not any bureaucrat, not any individual. And have faith in the ability of India to be a superpower. बहुत बढ़िया, आपने आई थिंक ये बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को और हम सबको बताई आपने। सो मैं आपकी तरफ से संजय
संजय जी आपको भी और हमारे दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि एक चीज ध्यान रखिए कि आप लोगों को जो दिखता है कि आज राकेश झुंझुनवाला या संजय पुगलिया जिस मुकाम पे हैं उसमें बहुत सालों की अथक प्रयास, अथक मेहनत है, अथक तपस्या है जो आज राकेश जी जिस मुकाम पे पहुंचे हैं और जिस तरह से आज हम और आप उनसे बातचीत करके उनसे सीखना चाहते हैं उसके लिए सर उन्होंने बताया कि 40-50 साल उनको लगे। और संजय पुगलिया जी भी जिस स्थान पे आज हैं, हिंदुस्तान के इतने बड़े जाने माने विचारक हैं, संपादक हैं, तो ये भी इनके बहुत प्रयास। सो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा संजय जी और राकेश जी कि आप लोगों ने समय निकाल के हमारे पाठकों के लिए और हमारे राजस्थान के डबल उत्सव में आप शरीक हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और राकेश जी की तरफ से मैं सारे दर्शकों को, पाठकों को बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में सट्टा नहीं होता है, ये बहुत समझ का, मेहनत का, सोच का काम है। तो मेहरबानी करके मंडे सुबह जाके सट्टा मत खेलिए, अध्ययन करिए, पढ़िए और एक अराइव्ड कॉल लीजिए। सही बोला राकेश। दर्शकों को जो सुनना था उसका जवाब नहीं मिला, उसके लिए हम लोग दूसरा शो करेंगे इनके साथ ट्रिपल कीर्तिमान समारोह में। वो जवाब तेरी बीवी को भी नहीं देता हूं, दर्शकों को कह दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।